वेलकम फ्रेंड्स, फ्रेंड्स कैफे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार फिर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इनकम सर्टिफिकेट बनाना आपको बताएंगे। तो हरियाणा में आजकल इनकम जो सर्टिफिकेट बन रहे हैं, फैमिली आईडी के थ्रू इनकम सर्टिफिकेट बन रहे हैं दोस्तों। और इनकम सर्टिफिकेट उन्हीं के बन रहे हैं जो लोकल कमेटी ने जिनकी इनकम वेरिफिकेशन कर रखी है। तो जिसने अगर बाई चांस किसी कस्टमर की या किसी की इनकम वेरिफिकेशन नहीं हुई है तो उनका इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। तो उसको वेरिफिकेशन करने का एक ही तरीका है कि हम सबसे पहले इनकम सर्टिफिकेट की फाइल लगाएंगे, उसके बाद डिपार्टमेंट अपने आप इनकम वेरिफिकेशन के लिए लोकल कमेटी के पास उनकी रिक्वेस्ट भेज देंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी सरल आईडी को खोलेंगे। दोस्तों मैंने पहले ही लॉगिन कर ली है। हम अप्लाई फॉर सर्विसेज पे जाएंगे, यहां पर हम इनकम लिखेंगे। ये इनकम सर्टिफिकेट का ऑप्शन खुल गया है, यहाँ हम क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल के आ जाएगा। तो हम यहाँ पर फैमिली आईडी उनकी फिल करेंगे, क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सदस्य का जो है, मेंबर है जिसकी बनानी है उसको हम सेलेक्ट करेंगे, जिसका इनकम सर्टिफिकेट बनाना है। तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया मेंबर्स को और वहाँ हमने OTP के लिए रिक्वेस्ट डाली। तो दोस्तों ये जैसे ही हमने OTP फिल किया तो ये डिटेल खुल करके हमारे पास आ गई है दोस्तों। तो यहाँ हम कस्टमर की फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखो दोस्तों, मैं आपको पहले ही बताया था कि भाई यहाँ पर इनकम वेरिफिकेशन नहीं हुई है, तो यहाँ पर कोई इनकम शो नहीं हो रही है। अगर फैमिली आईडी में अगर लोकल कमेटी ने इनकम वेरिफिकेशन कर दी होती तो यहाँ पर इनकम शो हो जाती। ये देखो, देखिए, फैमिली इनकम इज नॉट वेरीफाइड बाई लोकल कमेटी। अब ये लोकल कमेटी कब वेरीफाई करेगी? जब हम यहाँ इनकम सर्टिफिकेट की रिक्वेस्ट डालेंगे। तो हम रिक्वेस्ट डालेंगे तो एक लोकल कमेटी के पास आ जाएगी और लोकल कमेटी इसको वेरीफाइड कर देगी और हमारा इनकम सर्टिफिकेट बन जाएगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर जो जिस पर्पज के लिए इनकम चाहिए उसके लिए हम कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें जिस पर्पज के लिए चाहिए उसके लिए ऊपर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ये डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर हम वहाँ गाँव का या जो शहर है उसका नाम सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों ये फिर ये आ जाएगा, क्या ये पूर्व सत्यापित है? तो ये हमने पटवारी, नंबरदार पटवारी और तहसीलदार से पहले। उसके बाद दोस्तों अटैच अनेक्शन, यहाँ पर जो आईडी है उनका आधार है या वोट कार्ड है उसको सिलेक्ट करके और यहाँ उनकी आईडी को हम भर देंगे। यहाँ पर जो अटैचमेंट है हमारी इनकम सर्टिफिकेट की फाइल है उसकी अटैचमेंट, यहाँ पर हम वो फिल कर देंगे। दोस्तों सेव अनेक्शन कर देंगे। उसके बाद दोस्तों मेक पेमेंट पे जाएंगे, ओके कर देंगे। यहाँ हम अपना CSC का जो पासवर्ड है वो फिल कर देंगे। वैलिडेट, और अब हमारा जो वैलिड पिन नंबर है वो भर देंगे। तो दोस्तों ये हमारी इनकम सर्टिफिकेट की फाइल लग चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो इस इनकम सर्टिफिकेट फाइल जब हम लगाए तो इसमें कमेटी के थ्रू वेरीफाइड नहीं थी, तो अब ये कमेटी के पास जाएगा, कमेटी इसको वेरीफाइड कर देगी और कस्टमर का इनकम सर्टिफिकेट बन करके आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करना, शेयर करना और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स कैफे यूट्यूब चैनल को, ताकि हम अच्छी अच्छी वीडियो आपको दिखा सके और हमारा हौसला बढ़ता रहे। थैंक्स दोस्तों।